हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज कुछ नया सीखते हैं। तो चलो, मैं आज बनाने वाली हूँ मोतियों का गजरा। तो इसके लिए मैंने ये गोल्डन थ्रेड लिया है, जो हाइड करने के लिए लास्ट वीडियो में मैंने यूज़ किया था। ये है गोल्डन बीड्स, आप उसको गोल्डन मोती भी कह सकते हो। और ये है गोल्डन स्ट्रिंग, जो बहुत ईजीली मोल्ड हो सकती है और किसी भी शेप में आप उसको मोल्ड भी कर सकते। फैब्रिक ग्लू चिपकाने के लिए फैब्रिक ग्लू का इस्तेमाल करेंगे हम यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने जो गोल्डन बिट्स थे उसको लूज़ करके एक बाउल में निकाल के लिया है। अब हम लेंगे गोल्डन स्ट्रिंग, इसका 5 लेयर हम अलग अलग बनाएंगे। तो 5 अलग अलग लेयर में उसको जैसे वीडियो में देख रहे हो वैसे करना है। यहाँ पे मैंने ट्विस्ट करना स्टार्ट कर दिया है। ट्विस्ट इसलिए कर रही हूँ, जो टक करने वाला साइड है उसको मैं पहले बना के ले रही हूँ। तो जैसे आप देख रहे हो, तो यहाँ पे मैंने एक हुक टाइप वाला बना दिया है। अब उसको थोड़ा ट्विस्ट करके लेना है, जैसे मैं दिखा रही हूँ वैसे ही सेम। अब यहाँ से अपनी प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। अब यहाँ पे हमें मोती डालना भी स्टार्ट करना है। उससे पहले हमने ट्विस्ट कर लिया है, जो टक करने वाला पार्ट था उसको पहले बना लिया है। अब जो एक्स्ट्रा वाले स्ट्रिंग है गोल्डन स्ट्रिंग, उसको हम हटा देंगे और बस 5 ही स्ट्रिंग वहाँ पे रख लेंगे। जैसे देख रहे हो, जो एक्स्ट्रा स्ट्रिंग है वो मैं काट रही हूँ यहाँ पे। उसको काटने के बाद जो बचा हुआ पार्ट है उसको भी ट्विस्ट कर लेंगे, ताकि वो अब चुभे ना। तो मैंने उसको भी यहाँ पे फिर से ट्विस्ट करके टाइट कर लिया है। तो यहाँ पे टक करने वाला एक साइड वाला पार्ट बन के रेडी हो चुका है। और जो एक्स्ट्रा गोल्डन स्ट्रिंग्स थी वो हमने हटा दी है। तो बस 5 ही गोल्डन स्ट्रिंग बच जाएगी, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ वैसे वाली सेम। अब यहाँ पे ये ध्यान रखना है, एक गोल्डन स्ट्रिंग में 2 ही बीड्स जाने चाहिए, यानी कि 5 अलग अलग स्ट्रिंग में 2-2 बीड्स या गोल्डन मनी आपको डालने हैं। तो यहाँ पे हर एक स्ट्रिंग में 2-2 बीड्स डालने के बाद हमें उसको ट्विस्ट करना है और उसको टाइट करना है, ताकि ये बीड्स राउंड शेप में दिख जाए और हिले भी ना। तो जैसे मैंने दिखाया है वीडियो में वैसे वाले सेम उसको। तो यहाँ पे मैंने उसको अच्छे तरीके से ट्विस्ट कर लिया है। ट्विस्ट करने के बाद फिर से वही प्रोसेस फॉलोअप करनी है आपको। उसमें 2-2 गोल्डन बिट्स फिर से डालने हैं और फिर से वही प्रोसेस फॉलो करनी है जो फर्स्ट टाइम हमने किया था। हर स्ट्रिंग में 2 डालने और फिर से उसको ट्विस्ट कर। तो यहाँ पे हमें सेम प्रोसेस करनी है। तो मैंने सेकंड वाला भी बना दिया है, अब सेम थर्ड के लिए भी सेम ही है, वैसे ही हमें करते रहना है। यहाँ पे मैंने जितना मुझे हाइट चाहिए वो गजरे का, उतना मैंने रखा है। आपके हिसाब से आप रख सकते हो, जैसे किसी छोटी बच्ची के लिए बना रहे हो तो उसके हिसाब से छोटे बना सकते हो, और आपके लिए बना रहे हो तो थोड़ा बड़ा हाइट भी रख सकते हो। तो ये बहुत अच्छा लगता है, और ट्रेडिशनल आप कुछ पहन रहे हो तो इसके ऊपर ये बहुत ही सही लगता है। इसमें आप गोल्डन मोती की जगह पे वाइट मोती भी यूज कर सकते हो, वो भी बहुत सुंदर लगता है। तो आप प्लीज़ दोनों भी ट्राई कर लीजिए। तो अब यहाँ पे हम बनाएंगे जो टक करने वाला पार्ट होता है, जो हमने स्टार्ट में किया था वही अब दूसरे साइड में भी करना है। तो दोनों साइड से आप आपके हेयर बन में उसको आराम से यू पिन के हेल्प से आपको आप उसको टक कर सकते हो। तो यहाँ पे जो एक्स्ट्रा स्ट्रिंग्स जो दिख रही है वो आप हटा सकते हो, नहीं तो उसको आप थोड़ा मोल्ड करके ट्विस्ट करके वहीं पे आप उसको फिक्स कर सकते हो।